हाय गाइस, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3H। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे सारे सवालों की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3H में। पहला सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो मान लेते हैं, माना ए की मासिक आय बराबर 9x और बी की मासिक आय, दोनों का अनुपात दिया है 9:7, तो बी की मासिक आय हो गई 7x। अब दिया है आगे, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। तो ए का मासिक व्यय बराबर 4y और बी का मासिक व्यय क्या होगा, 3y। अब कह रहा है, यदि इनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, यानी कि 200 रुपये प्रत्येक महीने ए और बी, ए भी 200 रुपये बचाता है और बी भी 200 रुपये बचाता है। तो देखिए प्रश्नानुसार, अब ए की आय है 9x और ए का व्यय है 4y, तो जितना वो कमाएगा और उसमें जितना खर्च करेगा और जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, बचत होगी। तो आय में जब हम व्यय घटा दें तो हमारी बचत आ जाएगी। तो यह समीकरण हो जाएगा एक। दूसरा क्या होगा, 7x माइनस 3y बराबर कितना, इसका भी 200 रुपये। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण एक और दो को हल करने के लिए हम x वाला पद बराबर करें या y वाला, तो x वाला बराबर कर लें, तो इसमें 7 से गुणा करा दें और इसमें करा दें 9 से। तो लिखते हैं, समीकरण एक में 7 तथा दो में 9 से गुणा करने पर, आइए गुणा कराते हैं। 7 का मल्टीप्लाई पूरे में कराएं, तो 7 का 9 में 63x माइनस 7 4 28y इजकल टू 7 2 14। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब 9 का मल्टीप्लाई कराएं, तो 63x माइनस 27y इजकल टू 1800। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 28 है, प्लस का 27, तो घटेगा क्या आएगा, माइनस का वाई आएगा। यहाँ पर माइनस का 1800 माइनस का 1400 सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का आएगा 400। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 400। अब वाई का मान समीकरण एक में रख दें। समीकरण एक क्या है, 9x माइनस 4y इजकल टू 200। तो y की वैल्यू कितनी है, 400। रखते हैं 9x माइनस 4 इंटू 400 इजकल टू 200। तो 9x माइनस 2 बराबर 200, तो 9x बराबर 200, ये इधर जाएगा, प्लस 1600। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800। तो x इज इक्वल टू अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू डिवाइड करें तो 200। तो अब a की और b की, दोनों की हमें आय ज्ञात करनी है। तो a की मासिक आय क्या होगी, 9 × 200 यानी कि 1800, और b की मासिक आय क्या होगी, b की मासिक आय हमने क्या मानी है, 7x, तो 7 × 200 तो 1400। ठीक है, इस तरीके से ये पहला सवाल करेंगे। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर सवाल में चलें, देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर दिया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की बनी है तो उसमें पहला अंक 1 इकाई होगा और दूसरा होगा दहाई। तो हम इकाई और दहाई सबसे पहले मान लें। मान लिया, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक मान लिया हमने y। तो हमारी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो हो जाएगी 10y प्लस x। अब अगर क्रम उलट दिया जाए, क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या यानी कि इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह पर इकाई, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। अब प्रथम शर्तानुसार, तो सवाल को पुनः पढ़ें। दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का योग है 9, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 9। समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त, एक तरफ हम लिख ले संख्या और दूसरी तरफ क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या। फिर आप सवाल में चलते हैं, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारे पास संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना और इसका 9 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो अब कराते हैं मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 का गुणा 10 में 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। सब कुछ इधर ले आए तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। अब देखो, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 और ये माइनस का 20, तो ये घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 11x 90 में से 2 गया तो प्लस का 88y बराबर 0। अब माइनस 11 से हम भाग दे दें तो क्या बचेगा, x ये हो जाएगा माइनस और 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। माइनस 11 से भाग दिया तो ये माइनस का भाग जब देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में देंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। 1 व 2 को हल करने पर, तो 1 हमारा क्या है, x प्लस y बराबर 9, दूसरा हमारा है x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। तो ये माइनस, ये हुआ प्लस, माइनस ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 8y और प्लस का y, तो प्लस का 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 9, तो y का मान कितना, 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर क्या आएगा, 8। अब x और y के मान आ गए, अब हमें ज्ञात करनी है संख्या, तो संख्या हमारी क्या है, 10y प्लस x। तो अब 10y की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1 प्लस 8, तो क्या आ गया, 10 प्लस 8 इजकल टू 18, तो संख्या हमारी क्या आ गई, 18। यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी वो 18 होगी, जिसके अंकों का योग कितना होगा, 9। तो इस तरीके से ये सेकेंड नंबर सवाल को करेंगे। आगे चलते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एक पुस्तक विक्रेता है, वो एक पुस्तक को बेचता है 24 रुपये में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पुस्तक का
क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपये। अब कह रहा है कि जितने रुपए की उसने पुस्तक खरीदी थी उतने प्रतिशत ही लाभ उसने प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत है एक्स प्रतिशत, ठीक। अब कितने रुपए की उसने बेची है? 24 रुपए की, तो विक्रय मूल्य क्या है? 24 रुपए। तो अब विक्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य पता है, और लाभ हमें प्रतिशत पता है, तो अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाएं कब? जब लाभ हो। तो विक्रय मूल्य जब लाभ हो तो क्या होता है फार्मूला? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक। तो अब विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 24। क्रय मूल्य एक्स है, 100 प्लस एक्स बटे 100, 100 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2400। एक्स का अंदर गुणा करें, 100x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का गुणा 100 में 100x, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर। अब 2400 को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब 2400 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटा कर कितना आए? 100 आए, तो 120 और गुणे 20, 120 गुणे 20 तो करेंगे तो 2400 आएगा, और घटाने पर 100 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x और माइनस 2400 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स कामन, तो एक्स प्लस 120 बचा, माइनस यहाँ से 20 कामन, तो एक्स प्लस 120 बराबर 0। अब पूरे से एक्स प्लस 120 और बचा एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो अब देखो प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, अगर प्लस वाली लेते हैं तो उससे माइनस का मान आएगा, तो माइनस की संख्या होगी नहीं। तो हम लें यदि एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना? 20 रुपये। तो यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना? 20 रुपये। क्रय मूल्य 20 रुपये और उसने 20 प्रतिशत ही लाभ लिया, ठीक। लाभ प्रतिशत भी 20% और क्रय मूल्य आ गया 20 रुपये। तो अब इसके आगे के सवाल जो हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, तो तब तक के लिए राधे राधे।